23 अप्रैल को धरती के पास आएगा एक अनजाना ग्रह, मच सकती है तबाही। 23 अप्रैल को धरती, सूर्य, बृहस्पति सीधे एक रेखा में आ जाएंगे। इसी के साथ एक अनजाना ग्रह पृथ्वी के करीब आएगा, जो तबाही की शुरुआत करेगा। ये चौंकाने वाला दावा किया है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के कुछ सिद्धांतकारों ने। दावा है कि धरती की पास एक अनजाना ग्रह प्लैनेट एक्स आ जाएगा, जिसे आसमान में साफ देखा जा सकेगा। होगी विनाश की शुरुआत। इस अनजाने ग्रह के बारे में लिखने वाले डेविड मीडे ने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस ग्रह की वजह से धरती पर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ज्वालामुखी फटेंगे, विनाशकारी भूकंप भी आएंगे। ये एक तरह से विनाश की शुरुआत होगी, जैसा कि बाइबल में लिखा है। क्या है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? डेविड मीडे ने ज्यादातर दावों को बाइबल से जोड़ा है। इससे पहले भी उन्होंने अपने सिद्धांतों के आधार पर ऐसे दावे और भविष्यवाणियां की, जिसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नाम दिया गया। पहले भी किया था दावा। इससे पहले पिछले साल सितंबर में भी ऐसा ही दावा किया गया था, जिसमें प्लैनेट एक्स निबिरु के धरती से टकराने की बातें कही गई थी। हालांकि नासा ने इस दावे का झूठा करार दिया था। क्या प्लैनेट एक्स ही बनता है विनाश का कारण? साइंटिस्ट्स मानते हैं कि हमारे सौरमंडल का खोज हुआ ग्रह प्लैनेट एक्स पृथ्वी पर समय समय पर होने वाली सामूहिक विलुप्ति का कारक हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक ऐसे अज्ञात प्लैनेट उल्कापिंडों की बौछार का कारण हो सकते हैं, जो हमारे ग्रह पर करीब 2.7 करोड़ वर्षों के अंतराल पर होने वाली सामूहिक विलुप्ति से जुड़ा है। इस रिसर्च का मंथली नोटिसेज ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जर्नल में पब्लिश की गई है।